मेडिकेड अस्पताल रतन सिंह चौक में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन। आज रतन सिंह चौक स्थित मेडिकेड अस्पताल में डॉक्टर पीएस ग्रोवर के नेतृत्व में 6 रोटेरी क्लब अमृतसर पश्चिम दक्षिण पूर्व मध्य कैंट उत्तर व प्रीमियर के सहयोग से लगाया गया। इसके अलावा फीकी फ्लो महिला संगठन तथा वाइस ऑफ अमृतसर अलायंस ने भी अपना योगदान दिया। ये कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच का फायदा उठाते हुए अपना चेकअप करवाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह शामिल हुए। उन्होंने आयोजकों को इस नेक काम के लिए अस्पताल की पूरी टीम व संस्थानों को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर रवनीत सिंह ग्रोवर, डॉक्टर रुचिका ग्रोवर, डॉक्टर सरबदीप सिंह, सुमित पाल अरोरा, रोटेरियन शालू अग्रवाल, रोटेरियन एमएस अरोरा, रोटेरियन प्रवीण मेहरा, रोटेरियन मनदीप सिंह, रोटेरियन विजय बसीन, डॉक्टर जसप्रीत सिंह ग्रोवर, पुष्पिंदर ग्रोवर, डॉक्टर श्वेता बजाज, डॉक्टर विक्रांत, डॉक्टर सुशील महेंद्र इत्यादि ने अपना पूरा योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर पीएस ग्रोवर ने सभी का इस सेवा के उत्तम कार्य में अपना बहुमूल्य सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया तथा कहा कि वे हमेशा ऐसे चिकित्सा शिविर मेडिकल अस्पताल की ओर से आयोजित करते रहते हैं। आगे चलकर भी वे ऐसे कार्यक्रमों को करते रहेंगे। चिकित्सा भाग का पूरा प्रबंध मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा किया गया था। हेलो अमृतसर, आई एम डॉक्टर पी एस ग्रोवर। आई एम चेयरमैन ऑफ द मेडिकेड हॉस्पिटल एज वेल एज आई रिप्रेजेंट रोटरी क्लब्स एज ए डिस्ट्रिक्ट ओनर नॉमिनी फॉर द ईयर 2024-2025। अज सारिया पांच क्लबों ने रल के रोटरी क्लब अमृतसर वेस्ट साउथ ईस्ट कैंट सेंट्रल और नॉर्थ पांच क्लबों ने रल के ये मेडिकल कैंप लगाया और योगदान सानू नाल मिलिया वॉइस ऑफ अमृतसर दा फिक्की फ्लो दा और अलायंस ग्रुप्स दा। नोबल काज लई तुसी झंडा चुको सारे तुहाडे नाल आ जांदे ने, ये बहुत अच्छी उदाहरण है। और ये मेडिकल कैंप मेडिकेड हॉस्पिटल दे विच लगाया गया जिहड़े रतन सिंह चौंक च। ये कैंप साडा सालाना ये फीचर है। असी मेडिकल कैंप ग्रोवर हॉस्पिटल चील मंडी दे विच 2007 तो लगा रहे हैं और 2015 जदों दा मेडिकेड हॉस्पिटल बनया असी इत्थे भी शुरू किया। उत्थे भी लगता उत्थे अक्तूबर दे महीने लगावांगे चील मंडी च और इत्थे असी जदों अगस्त दे महीने ये असी कैंप लगाने हैं। मेडिकल कैंप दा मतलब स्क्रीनिंग है कि तुसी उन्हां बंदियां नूं तुसी चैक करो जिहड़े अपने आप नूं बिल्कुल नॉर्मल और हैल्दी समझते हैं। खास तौर पर ब्लड प्रेशर, शूगर, जनरल चैकअप तो ऑफकोर्स तुसी जो नब्ज़ देखते हो या तुसी चेस्ट देखते हो जनरल चैकअप विच बड़ा कुछ नज़र आ जाता है, पर कुछ बीमारियां जैसा हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है वह जिन्नी देर तक चैक ना करो वो तुहानूं उहदा पता नहीं लगता। क्योंकि फिर जो एक नॉर्मल बंदा अज भी असी डॉक्टर सुशील मिंद्रू मेरे नाल सन एज ए मेडिकल स्पैशलिस्ट जो असी चैक कर रहे सी काफ़ी रोटेरियंस नूं और किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता सी तो वह पहले तो मनने लिए तैयार ही नहीं होंदा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जां जे शुगर उहदी 250 या 300 आ गई वह मनने लिए तैयार नहीं कि मैं जी पेड़ा खा के आया, मैं लिमका पी के आया। ऑफकोर्स तुहानूं अज असी सुचेत कर दिता कि इट मे बी दोबारा टैसट करो या जे शुगर है तो 3 महीने वाला HbA1c तुसीं करवा लो ताकि तुहानूं पता लगे शुगर है या नहीं है। क्योंकि शुगर और तुहाडा ब्लड प्रेशर हाई है नॉर्मल या की है ये अखबार च नहीं आना, ना किसी चैनल च आना, तुहानूं आप देखना पैना और आप चैक करना पैना। उस तो पहला कि कोई ये जिहड़ी साइलेंट किलर्स ने ये किसी शरीर के हिस्से पर असर करन, अधरंग हो जाए या किडनी फेल हो जाए, उस तो पहला जे तुसी अपने आप नूं पकड़ लो तो बहुत अच्छी गल हुंदी है। जे असी समझदे कि कैंप दे विच 200 या 300 बंदियां नूं अज असी एग्जामिन कीता, 10 बंदे भी निकल आण जिन्हां नूं नहीं पता सी कि उन्हां दा ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर हाई है, तो समझो असी वो 10 बंदियां नूं नैक्सट तकलीफ होण तों उहदी कंप्लीकेशन तों बचाण दे विच असी उन्हां लई बड़े सहायक सिद्ध होवांगे। बाकी बोन मैरो डेंसिटी वो बाहर बड़ा कॉस्टली टैसट है तो वह जड़ा इतने सारा टोटली फ्री हो जाता है क्योंकि अजकल लोग ज़्यादा एयर कंडीशन लगा के कमर ट्यूब लाइट्स के LED लाइट्स के कमर बैठ के काम कर रहे हैं। आउटडोर बच्चे भी नहीं जा रहे, व्डे भी नहीं जा रहे, जिदे करके विटामिन डी का लैवल बहुत घट रहा है। और विटामिन डी का लैवल पहला लोग करवाते नहीं, सूँ जो करवाते हैं
30 घट तो घट चाहिए लोगों का 14 15 6 तक आया। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि विटामिन डी की कमी के नाल सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होंदिया, होर कुछ बड़ा उसका थायराइड ते इफेक्ट, उसका शुगर ते इफेक्ट, उसका माइंड ते इफेक्ट, डिप्रेशन, बहुत कुछ है। सो विटामिन डी का लैवल देखना बोन मैरो डेंसिटी तो सानू थोड़ी जी इंडीकेशन मिल जाती है, और जेकर लोड़ पैंदी तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स वगैरह लेंदे रहना चाहिए। सो ये साडा जिहड़ा कैंप का मकसद सी, जे इहदे विच असीं कामयाब हुंदे आ या अज जिहड़ा मैं तुहाडे सारिआं नाल मुखातिब हो रहा, जे इहदे नाल तुहानूं कुछ जागृति आती है या तुहानूं लगता है कि मैं अपने फैमिली डॉक्टर को जावां तो जाके उहदे कोल अपना ब्लड प्रैशर, विटामिन डी और शुगर टेस्ट करवावां, तो मेरा बहुत बहुत कामयाब होवांगा मैं। थैंक यू वेरी मच। सारे मैडिकल हॉस्पिटल के स्टाफ वालों, डॉक्टर रवनीत, डॉक्टर रुचिका, डॉक्टर सरबदीप, डॉक्टर सुशील मिंद्रू, सारिया वालों मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर पी एस ग्रोवर साहब का धन्यवादी हाँ कि आज के इस समागम के बीच मैं शिरकत करने का इन्होंने मौका दिता है। असं पहला तो ही इस प्रोग्राम के इतने जिन्हें भी प्रोग्राम हो गए हैं, तकरीबन भावें दिवाली का हो गए जां कोई हेल्थ रिलेटेड हो, एनुअल डे मैं आने का हमेशा मौका मिलता रहा है। मैं मनदीप जी यही कह रहा कि नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स आज का जो प्रोग्राम है नॉन पॉलिटिकल है। तो मैं जो अक्सर हों उदों भी आता से, और आज तुम मैं MLA बना दिता तो आज भी मैं थोड़े बीच हाँ। तो चार रोटरी क्लब्स ने उन्होंने सांझे तौर पर आज के प्रोग्राम के शिरकत की है। तो ये मनदीप सिंह जी ने कैंट वालों और विजय वसीम जी ने रोटरी नॉर्थ, मैडम सालू अग्रवाल जी ने वेस्ट को, और प्रवीण जी ने सेंटर तो। चार रोटरी क्लबों का इकट्ठा गठजोड़ होया है, यह भी एक काबिले तारीफ है। मैं हमेशा रोटरी क्लब दी मीटिंगां दे विच हमेशा वकालत करता रहा कि तुसीं इकट्ठे होवो सारे। आज की तारीख दे विच साडे छोटे से शहर अमृतसर दे विच 18 रोटरी क्लब बने ने, 18 संख्या है। ये 130 नूं रिप्रेजेंट कर रहे मैं ना ते आ ही गया। 5 रोटरी क्लब हो गए, तो डॉक्टर साहब का ही सारा रोटेरियन इंजीनियर PS ग्रोवर, इंजीनियर PS ग्रोवर, डॉक्टर PS ग्रोवर और इंजीनियर PS ग्रोवर। तो इलेक्शन के दौरान भी मैं मौका मिलया सी, और डॉक्टर जसप्रीत ग्रोवर वॉइस ऑफ अमृतसर तो ने इन्हों का हॉस्पिटल भी इतने रतन सिंह चौक पर है, और जदों असी कैंपेनिंग करते सारे मतलब नॉन पोलीटिकल हो गए तुम काम किया, तो मैं थोड़ा सारिया का धन्यवाद कराँगा। और यही होना चाहिए है क्योंकि इलेक्शन जो होंगे है ना तो डेमोक्रेसी का महापर्व होता है, तो वह सारे नॉन पोलीटिकल होकर काम किया, एफिलिएशन पावें किसी भी पार्टी के नाल हो, लेकिन वोट पाउन की जो बारी आई तो तुम सारे ने मैं वोट पाया, क्योंकि मैं आज भी नॉन पोलीटिकल हूँ, और मैं ये वायदा किया उदों भी मैं नॉन पोलीटिकल रहा हमेशा।